दिन। ठीक है, चल रहा है, दिखाई दे रहा है सब कुछ? हाँ सर, हाँ सर। ठीक ठीक बोलते रहना बीच में। अब उस कल का थोड़ा सा बचा हुआ था, तो एक कल के टॉपिक में लिखो। उसके बाद हम लोग एनएलएम स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला लिखो ऊपर में, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन एंड बीमा एंड बीमीय सूत्र बोलते हैं ना इसको हिंदी में। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। बस बताते जाना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो लिख दें, हिंदी वाले को भी लिख देते हैं, बीमा एवं बीमीय सूत्र। तो जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो, अरे ऐसा ऐसा कोई लड़का होता है ना, कि कोई लड़का बोलता है कि सर एक टीचर बता रहा था कि 11th से 80% है। क्या? ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लाइन पे रहो लाइन पे रहो लाइन पे रहो लाइन पे रहो लाइन पे रहो। अब क्लियर है? हेलो। हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक। तो डायमेंशन एंड बीमा एंड बीमीय सूत्र, तो इसमें पहला नंबर पे लिखो स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, चाल या वेग, यही बोलते हैं ना। तो इसके हाँ नीचे सर, यही बोलते हैं। तो इसके लिए लिखो मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला मीटर, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। ठीक है, दूसरा लिखो जो यही सब आएगा, दूसरा लिखो एक्सलरेशन। एक्सलरेशन हिंदी में लिखो त्वरण, हिंदी वाले लिखेंगे त्वरण। ये सब आता होगा ना, फिर भी लिखवा देते हैं अच्छा इसका। रहेगा सर, लिखा दीजिए रिवीजन। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, एल टी स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर, यही जो तीन चार बताएंगे ना उसी से आएगा, और जो होगा वैसा तो कुछ लिखवा देंगे, पीडीएफ दे देंगे आपको, एक फ़ोटो का पीडीएफ दे देंगे, जो इम्पोर्टेंट हो वो लिखवा देते हैं, ऐसे एक पीडीएफ हम भेज देंगे आपको, फोर्स का एम एल टी स्क्वायर इनवर्स। एफ बराबर एम ए होता है ना, हाँ सर, हाँ सर। उसी से वो आया। ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, देखो एफ बराबर एम ए हो गया, एम का वैल्यू क्या हो, मास एम, एक्सलेशन एल टी स्क्वायर, एल टी स्क्वायर इनवर्स, एम एल टी स्क्वायर इनवर्स। ये समझे कि फिर सब समझाएं अच्छे से इसको, समझ गए सर, समझ गए सर। और सब लोग ये एम एल टी स्क्वायर इनवर्स कैसे आया ये समझ गए ना आप लोग, बोलता ही नहीं है कोई। यस सर। हाँ बोलो, कम से कम मेरे साथ बोलो। फोर्स के बाद लिखो वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी लिखो एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर इनवर्स। याद कर लेना सिर्फ, ये सब इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में समझते रहना, नहीं तो नहीं ख़त्म हो पाएगा पूरा कोर्स जितना है ना। मोमेंटम एंड इम्पल्स, इम्पल्स का आवेग होता है ना, हाँ सर, हाँ आवेग, इसका संवेग, इसका संवेग।
इसका लिखो पी बराबर एम भी होता है, तो इसका लिखो एम एल टी इनवर्स। क्लियर है, इसमें क्लियर है एम एल टी इनवर्स कैसे हो गया? ठीक, यस सर। आगे लिखो, अभी भी लोग आ रहे हैं। चलो ऊपर करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ हाँ सर लिख यस सर। ठीक। चलो मोमेंटम एंड इंपल्स के बाद लिखो पावर, छठा नंबर लिखो मेरे साथ पावर। पावर का हिंदी क्या होता है? शक्ति। हिंदी वाले लिखेंगे शक्ति, शक्ति। तो इसका क्या होता है, इसका कोई फॉर्मूला बताओ। कार्य बटा समय, हाल बटा टाइम सर टाइम सर इसका हो जाए कार्य का, ऊपर आपको बताए थे एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर इनवर्स, ये बताए थे कार्य का, ये बताए टाइम का क्या होता है टी टी हो जाएगा सर तो टी, -3 हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी की यूनिवर्स याद कर लेना है बस। नहीं उतना नहीं आए तो सर सिर्फ याद करते चले जाओ इतना का। फिर लिखो सातवां, लिखो प्रेशर, प्रेशर 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 क्या होता है? ये फॉर्मूला एफ वाई ए होता है ना, तो इसका हो जाएगा एम एल इनवर्स टी स्क्वायर इनवर्स, ये याद, इमीडिएट डायमेंशन फॉर्मूला एग्जाम में आपके पूछेगा। आठवां डेंसिटी, प्रेशर मतलब दाब, हिंदी वाले दाब, डेंसिटी मतलब घनत्व, एम बाई वी, मास बाई द्रव्यमान बटा आयतन, ये घनत्व, ये आपका घनत्व है, ये एम जो है आपका द्रव्यमान है, भी जो है आपका वेलोसिटी है। क्लियर है? तो एम बाई इसका क्या होगा, डेंसिटी का बताओ, भी का क्या होता है, वॉल्यूम, सर वॉल्यूम का एल क्यू, एम एल इनवर्स, वॉल्यूम सॉरी सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास द्रव्यमान बटा आयतन, है कि हाँ डेंसिटी में डेंसिटी में कहाँ से वॉल्यूम डेंसिटी है मास बाई वॉल्यूम, ये आपका आयतन, आयतन वेलोसिटी बोलते बोलते ना ये वेलोसिटी याद आ जाता। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर कर लिए, लिख लिए सब, हाँ सर हाँ क्लियर है सर यहाँ तक? राइट थोड़ा सर नीचे कीजिएगा तो। चलो बहुत अच्छा, बस आज हम लोग करते हैं खत्म, खत्म करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिख कर आया हूँ मैं। देखो जो जो सवाल पूछेगा ना, सवाल का इसमें अंत नहीं है, जेई के भी सवाल बन सकते हैं, इसी से बनते हैं, और आपके एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस के भी सवाल इसी से बनते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते चले जा रहे हैं, तो ये इसको ठीक ठीक है। सर तो जेई लेवल का पूछेगा, क्या, जेई लेवल का थोड़े से पूछेगा। अरे कॉमन एंट्रेंस होता है इसमें, बहुत हल्का हल्का सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब लिखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले टॉपिक अगला लिखो मोशन, मोशन मोशन अगला चैप्टर मोशन। अब हम लोग, तुम लोग बताना मेरे को, ठीक है, ये एक बॉल है, ठीक है, अब जो जो पूछेंगे ना सो बताना, जो जो पूछेंगे वो बताना, इसका ऐसे डायरेक्शन है, और एक एक कार है, ठीक है, इसका ऐसे डायरेक्शन है, ये एक्स ये वाई, ठीक है,
ये बताओ ये 1D में हो रहा है या 2D में हो रहा है? कार 1D वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है या 2D मोशन कर रहा है, ये बताओ। या ये जो गेंद है, ये जो गेंद है वो गेंद 1D कर रहा है या 2D कर रहा है? इसका जो मोशन है 1D है या 2D है? डायरेक्शन डायमेंशन पूछ रहे, डायमेंशन एक्स वाई जो डायमेंशन है वो 1D है या कार का टू वन डायमेंशन है डायमेंशन सर, बॉल का 2D। टू डी सर। भाई ये दोनों जो है फिगर पूछेगा और यही एग्जाम में पूछेगा, ये दोनों 1D है। जैसे सर 1D कैसे है? ये कार जो है वो आपके एक्स के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग चल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट के, और ये जो है इसमें बाई कोई चेंज थोड़े कर रहा है, ये जो बॉल है वो बाई के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट। अब बोलोगे सर तो 2D का कौन सा आपका उदाहरण है? हम देखो तुरंत बताते हैं 2D का आपका कौन है। 2D का आप एक पढ़े होगे प्रोजेक्टाइल मोशन, पढ़ो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, अच्छा वो आपका 2D होता है, 2D 2D मोशन उसको कहते हैं। तो पूछेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ 1D 2D 3D या नन ऑफ दीज, तो क्या करोगे 2D। ठीक है, ये कार या ऊपर से गिरती हुई वस्तु, कोई वस्तु जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, ऊपर से सिर्फ गिर रही है तो वो 1D होगा। ठीक है, कोई बॉल यदि नीचे गिर रही है तो वो 1D। बट किसी रॉकेट से कोई बम गिराया गया तो वो कौन सा होगा? वो जो आपका होगा वो 2D होगा। तो ये एग्जाम में यदि सवाल पूछे कि रॉकेट से कोई बम गिराया जाए तो वो आपका 2D, क्योंकि आपको पता होगा कि रॉकेट से कोई चीज गिराया जाता है तो वो कैसा गति फॉलो करता है, कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये सब पढ़े होगा नीली बंधु। हेलिकल पैराबोलिक। हाँ करता है, तो वो आपका यस सर। प्रोजेक्टाइल पाथ करता है तो वो 2D होता है। तो और बाकी जो यदि कोई बॉल गिर रही है, फॉलिंग ऑफ बॉल इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो 1D हो जाएगा, 1D। ठीक है, ये कार चल रहा है, रनिंग ऑफ ए कार इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे वो आप गलती कर देंगे, रनिंग ऑफ कार वो भी आपका 1D होता है। इसी का नाम, यही पूरा चैप्टर NLM है जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यही एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2D होता है, बाकी जो ये यदि कोई बॉल गिर रही है तो 1D है, कोई कार चल रही है तो 1D है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अब? यस सर। नहीं हाँ सर हाँ सर नहीं समझे सर? चलिए तो हेडिंग बना दिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले कॉमन कॉमन जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग करते हैं कि क्या क्या यहाँ से क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। माइक ऑफ कर दीजिए। तो अब अच्छा एक बात बताओ, फिर आपसे एक एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आएगा फ्लाइंग ऑफ मॉस्किटो इन रूम इज द एग्जाम्पल ऑफ, अब ये कौन से डायमेंशन का है बताओ। फ्लाइंग ऑफ मॉस्किटो इन रूम इज द एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन आ जाएगा, ये पूछा है टू सवाल, डी पूछा है 1D, बी में पूछा है सवाल 2D, 3D, 3D और डी नन ऑफ अबव, बताओ। वन डी सर 1D 1D 2D सर। 2D कौन बोले? यस ये टू डी 2D का 2D का एग्जाम्पल है भाई। 1D कैसे? 2D मॉस्किटो ऐसे थोड़े उड़ेगा, ऐसे करके थोड़े उड़ेगा कि ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहा है या स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है। मॉस्किटो तो पूरा, यदि ये रूम है, ये रूम है तो ऐसे ऐसे उड़ेगा, पूरे रूम में उड़ेगा ना, पूरे रूम में उड़ेगा तो वो 2D होगा, पूरे रूम में ना भाई उड़ेगा, ऐसे थोड़े उड़ेगा,
कि यहाँ से मॉस्किटो गया एक्स ऐसे करके बस सामने चला गया, ऊपर से आ रहा है तो एकदम सामने चला आ रहा है, वन डायमेंशन कैसे हो सकता है? बिल्कुल ही ये मॉस्किटो टू डायमेंशन, टू डायमेंशन ये एग्जाम्पल सर। क्या सर थ्री डी का एग्जाम्पल सर? अरे थ्री डी का एग्जाम्पल तो मेरे को भी नहीं मालूम है, ये देखो ना एग्जाम याद करते हैं सर, हिंदी नहीं बोले मॉस्किटो एग्जाम्पल थ्री डी का एग्जाम्पल देखो ये हो गया। सर मैथ में तो सब थ्री डी पढ़ा, थ्री डी चैप्टर है मैथ। हाँ हाँ थ्री डी चैप्टर है ना मैथ का, वहीं सब होता है आएगा इसमें देखो ना, फिजिक्स में भी, फिजिक्स में तो उतना नहीं यूज है इसका। थ्री डायमेंशन होता है ना भाई जिसका एक्स, हाँ गया, थ्री डायमेंशन होता है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जो आपका एक जेड कोऑर्डिनेट बाहर की ओर आया वो सभी पे उसका मोशन हो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी हो वाई कोऑर्डिनेट भी हो जेड कोऑर्डिनेट भी हो। तो बहुत कम ही ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ये हाई लेवल सवाल हो जाता है थ्री डी का ऑप्शन, अभी सब टू सर चिड़िया का सर चिड़िया उसी उस हिसाब से भाई मॉस्किटो भी तो आपका टू डी थ्री डी हो जाएगा, उस हिसाब से मॉस्किटोज भी थ्री डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो आपका, ठीक, जो आपको कंफ्यूजन रहे वो सर्च जरूर करेंगे हम लोग, बट अभी कोर्स को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं जो जो आपके एग्जाम में। एक साइड लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, और एक साइड डिस्प्लेसमेंट से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मतलब विस्थापन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया। अरे अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ ही, ठीक है, तो वही चल रहा है भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब एनएलएम में ही है, स्ट्रेट लाइन में ही है। तो डिस्टेंस से पहला नंबर क्या है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, यही सवाल पूछेगा। इसके साथ इसका क्या डिफिनेशन होता है, तो इसका होता है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, ठीक है, इसका क्या होता है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन क्या इनिशियल इनिशियल फाइनल पॉइंट, फाइनल बिल्कुल 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 फाइनल पॉइंट। अब ये बताओ, ये आप लोग बताओ इसका, सबसे पहले क्या डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? नो सर। नहीं सर, नहीं सर, डिस्टेंस डिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ नेवर भी तो लिखो, जीरो, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आ जाएगा एकदम एकदम। सोचोगे ना कि ये सब सवाल पूछता है, नॉर्मल हल्का हल्का सवाल पूछेगा, ये तो ऐसे ही एक ले लेता है। ये तो सर नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल, अब कोई लड़का इसमें बता सकता है कि ये हम जो लिखे हैं वो ये कैसे हम लिखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो या निगेटिव हो सकता है, पर पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई बता सकता है कि क्या ये डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ है ये बताओ? अब देखो नहीं सर, नहीं सर। प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, हम बताओ, ये देखो एक बॉल है, ठीक है, एक और बॉल ये है, ये गोल नहीं हुआ, ठीक है, अब यहाँ से ये बॉल को हम फेंके फेंके, ये रोड समझो कि एक समतल जमीन है, ठीक है, तो ये बॉल पहले इस फील्डर से होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए फिर वो लुघराते हुए इस बॉल से होते हुए ऐसे ऐसे आया करके ये टोटल 20 किलोमीटर की तय दूरी की, और इन दोनों के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताओ कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन है और डिस्टेंस कौन है? स्टेट वाला डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट हो जाएगा। हाँ तो इन डिस्प्लेसमेंट दो, 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट वही है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्ट और हाँ सर स्टेट वाला डिस्प्लेसमेंट और वो जो घूम घूम के आ रहा है वो डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये देखो डिस्टेंस हो गया घूम घूम कर गया, और इन दोनों के बीच में जो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो ये इसी से पता चलेगा फिर डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो एंड निगेटिव। अब हम ये करते हैं कि ये एक बॉल है, ठीक
एक बॉल है और ये बॉल यहाँ से चलना स्टार्ट किया। एक आदमी है, इसको आदमी बना देते हैं, इसको आदमी बना देते हैं, ये मैं हूँ और ये मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरा घर से ऐसे 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 पूरा चक्कर काटते ऐसे 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 फिर वापस यहाँ पर आ गया। ऑल ओवर हम अपने फ़ोन में देखे तो हम चले 50 किलोमीटर। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर, पर मेरा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ सर, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया, हो गया कि नहीं? क्योंकि यहाँ से चले वहीं पे पहुँच गए। तो सीधे आप लोग याद करो, फिर इतना डीप जाएंगे तो मेरा कोर्स ख़त्म कभी नहीं होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? जीरो और निगेटिव नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जो आपका होता है जीरो एंड निगेटिव होता है। ठीक है, बस याद करते चले जाओ इसमें। फिर एक इसमें एक रिलेशन होता है, हम ऊपर करते हैं थोड़ा सा, इसमें एक रिलेशन आपके एग्जाम में पूछा जाए। अब देखो इतना जो है ना वो सी यू सी टी के लिए भी काफ़ी है, जितना हम देते जा रहे हैं। इसका होता है मीटर, इसका एल मीटर, विमीय सूत्र एल। ठीक है, अब देखो नोट्स में यहाँ नीचे मेरे साथ लिखना, नोट्स में मेरे साथ लिखना कि डिस्टेंस जो होता है ये रिलेशन पूछेगा कि विच अमोंग द रिलेशन इज कॉरेक्ट। क्वेश्चन आएगा विच अमोंग द रिलेशन इज कॉरेक्ट, निम्नलिखित में कौन सी जो रिलेशन का मतलब क्या होता है हिंदी? संबंध, संबंध। निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है सही है? तो ये संबंध जो है वो सही है। ये संबंध का मतलब हम आपको बताते हैं, ये क्या संबंध है? बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? यस सर, डिस्टेंस के बराबर है। हो गया भाई, आप कहाँ से बोल रहे हैं? इतना एकदम आवाज तेज है ना आपका। डिस्टेंस बराबर या बड़ा हो सकता है किसका? डिस्प्ले। ये जो रिलेशन है ना ये वीवीआई रिलेशन है, यदि पूछेगा तो ये जरूर ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, बस इससे इतना ही पूछेगा। ठीक है, अब आ जाओ ऊपर। क्या करना था ना सर? क्या नाइन्थ में ही पढ़ना था ये सर? तो वही सवाल, इलेवेंथ में नहीं पढ़ना था आपका? इलेवेंथ में भी तो यही पढ़ना था। यहाँ एयरफोर्स। अगला टॉपिक मेरे साथ लिखो, अगला टॉपिक लिखो मेरे साथ, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये आपका दूसरा क्लास है ना? यस सर। ये हो गया स्पीड, इधर लिखो वेलोसिटी। भाई हिंदी वाले चुप एकदम रहते हो यार, बोलो यार। कल को ये मत करना कि मतलब हिंदी में पढ़ाते हैं इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ये लिख दे यहाँ चाल बगल में, चाल बेग। बोलना भाई, प्रॉब्लम हो तो बोलना। पहला लिखो ये कौन सी क्वांटिटी है यार? क्या स्केल इफेक्ट भाई, एक क्लास में देखो यार, एक देखो कोई उसको चेक करो कौन है, मतलब उसको बताओ कि हम नहीं जा सकते बार बार क्लास डिस्टर्ब क्यों करें। फिर इसका क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बाई टाइम। इसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये सब डायरेक्ट आएगा, सोच रहे हो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तीसरा लिखो मीटर पर सेकेंड होता है इसका, इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड। इसका विमीय सूत्र होता है एल टी इनवर्स। अच्छा ये एल टी इनवर्स कैसे आ रहा है वो आप लोग को प्रॉब्लम है इसमें नहीं है ना? नहीं सर, वो समझ आएंगे, वहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ टाइम है, हो जाएगा। ये इसका हो गया, ऊपर करें थोड़ा सा। चलो अब देखो, अब इसके सामने ये क्या स्पीड निगेटिव नहीं होता, हो सकता है? देखो इट कांट बी निगेटिव, ये निगेटिव लिखा हुआ है, आप लोग निगेटिव पूरे से लिखना अच्छे से। इट कैट, ये कलर सही नहीं है, इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो, बस इतना याद कर लेना है इससे। ठीक है, बस इतना याद कर लेना है।
अब अगला टॉपिक लिखो, अगला लिखो मेरे साथ, अगला टॉपिक लिखो, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, yes, सर। लिखो अगला टॉपिक, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब इससे क्या क्या सवाल बनेगा आपको बताते चले जाते हैं। अरे सब सुन रहा है और सब है क्लास में? सुन रहे हैं सर। हाँ सर, तो कहाँ लिख रहा है? लिखो मेरे हाँ साथ, लिख रहे हैं। लिखो मेरे साथ, एवरेज स्पीड एक बीए वाला होता है, इतना हल्ला करेगा ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये सब डायरेक्ट आ जाएगा इसलिए लिखवा दे रहे हैं। टोटल क्या क्या टाइम टाइम बिल्कुल हम पूछते रहते हैं बीच बीच में। फिर लिखो एवरेज वेलोसिटी, दोनों ग्रीन ही है। ब्लैक लीजिए, ठीक रहेगा। एवरेज वेलोसिटी लिखो क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन बाय टोटल टाइम टेकन। ये सब देखो, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, इतना आसान आसान सवाल, क्योंकि इलेवेंथ से क्या पूछेगा, इलेवेंथ से पूछेगा तो क्या पूछेगा, ठीक है। एक नोट करके नीचे लिखना मेरे साथ, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। ये हिंदी वाले हिंदी भी लिख दें इसका भाई, ठीक ठीक है ठीक है। इन स्ट्रेट पाथ, इसका मतलब एवरेज, ए भी ई लिखे मतलब एवरेज, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल। डायरेक्शन नहीं, पर स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। एवरेज स्पीड जैसे 5 आया, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी ये एवरेज वेलोसिटी भी आएगा स्ट्रेट लाइन में 5 मीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पर क्या हो सकता है, डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, जैसे ये प्लस हो या माइनस हो, पर डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट आपका मैग्नीट्यूड जो होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्या इक्वल होगा? हाँ इक्वल होगा, ठीक है। अब आगे लिखो, आगे बढ़े? यस सर, आगे लिखो। देखो कितना तेजी में जो जो पूछ रहा है ना वो हम करवाएंगे, फालतू कुछ नहीं करवाते हैं। अब एक जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पर एक केस नंबर 1 लिखो, केस 1 करके लिखो, केस 1 करके लिखो, ऐसे करके केस 1 लिखो। इफ जर्नी इज डिवाइडेड इंटू एन इक्वल पार्ट अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ। न समझ में आए कहीं भी पूछना। अब देखो, इफ जर्नी इज डिवाइडेड इंटू एन इक्वल पार्ट अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब कोई जर्नी है, कोई कार चल रही है कोई कार चल रही है, वो एन इक्वल पाथ में इसकी जर्नी है, ठीक है। तो इसका जो भी एवरेज होता है वो क्या होगा हम बताते हैं। तो एन इक्वल पार्ट में है, एन इक्वल पार्ट में जैसे 5-5 किलोमीटर का स्पेल पे कटा हुआ है, 5 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर चल रहा है, 5-5 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, एन बाई भी एवरेज, मतलब वेलोसिटी एवरेज जो दिया रहेगा, बराबर 1 बाई वी 1 प्लस 1 बाई वी 2
प्लस डॉट 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 वन बाई वी एन, वन बाई वी एन। अब इसका मतलब बहुत लोग नहीं समझे, समझ गए इसका मतलब? आपका ये जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई कार है वो 5 किलो, क्या हिंदी बोल, हाँ बोलते हैं, यदि कोई यात्रा एन बराबर भागों में बटा हुआ है किसके अनुदिश, तो उसकी लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश यदि कोई यात्रा एन बराबर भागों में बटा हुआ है तो एवरेज मतलब औसत वेग क्या होगी। जैसे तो इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला एन बाई एवरेज भी एवरेज, ये वेग औसत बराबर वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस डॉट वन बाई वी एन। अब कोई इसको हम बता देते हैं कि कैसे है। जैसे कि कोई कार है, ये कार है, ये कार 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। अगला 5 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। अगला 6 किलोमीटर की दूरी, अगला 5 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। मतलब 3 स्पेल में ये बटा हुआ है। ये देखे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि औसत वेग क्या होगा। कोई निकालेगा इसका औसत वेग क्या होगा। कोई कार 15 किलोमीटर की दूरी 3 बराबर भागों में चलती है, 3 बराबर भागों में, जिसमें प्रथम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अगला 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और अगला 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम लिख लो। तो उसका औसत वेग एवरेज वेलोसिटी कोई निकालेगा? नहीं निकालते हैं। 19/11 होगा। देखो निकाल लिए, सब निकाल लिए, आगे बनाए हम, फिर बनाए जिसको निकालना है निकालो, बन जाएगा तो बताना कि मेरा आंसर आ गया। एन 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 की जगह क्या होगा, एन के जगह 5 होगा ना सर, 5 होगा। फिर भी आपका एवरेज औसत वेग बराबर 1/V1, पहला वेलोसिटी 1/10, दूसरा वेलोसिटी 1/5, तीसरा वेलोसिटी 1/15। अब इसका लघुत्तम यदि एलसीएम निकालेंगे तो भी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 30 होगा। यस सर। तो 10 × 3 = 30, 5 × 6 = 30, अब 15 × 2 = 30, ये कितना हो गया आपका, 6 × 3 = 9, 2 = 11/30, ठीक है, बराबर 5/V एवरेज। अब देखो 5 × 30/11 बराबर V एवरेज, तो वेलोसिटी एवरेज कितना निकल गया आपका, 150/11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये फॉर्मूला से आ गया। अब कितना आया है सबका, आया हाँ सर, सर। हाँ, हाँ सर, हाँ सर, सबका आ गया, हमको आ गया इतना सर। सुरेंद्र जी सब, फानिस ये सब, सब ज्ञानशु प्रकाश, आप गौतम रावत, ये सब कुछ नहीं? यस सर, आ गया समझ में, आ गया ना। नीरज भाई, यस सर। राहुल जी, सर, यस सर। राहुल, ये यस राहुल, सर। ये आ गया सर। ठीक ठीक, फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है सर। क्या, फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है। आप देखो अगला, इसमें सबको समझ में आ गया, वो कौन थी एक लड़की, उसको समझ में आया? ओके सर। ठीक है, अब केस नंबर 2 लिखो मेरे साथ, लिखो केस नंबर 2। अभी तो फिजिक्स समझ में आ रहा है ना, जब थर्मोडायनेमिक्स चलेगा तब पता चलेगा फिजिक्स क्या होता है। 11th का जब हम गए थे ना 11th में, जैसे केस फिजिक्स सेंटर पटना में पढ़ रहे थे, तो मतलब 2000 लड़के एक साथ बैठ कर पढ़ते हैं, तो जब ये चला था ना तो लगा था अब IIT बॉम्बे जाएंगे, उससे कम तो हम कहीं जाएंगे ही नहीं। और जब लास्ट में सब गए तो कहे कि बिहार बोर्ड 80% नंबर आ जाए, क्या बात रहता। एन इक्वल पार्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, देखो इफ जर्नी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम,
समय के अनुसार, एन इक्वल पाई अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो इसका भी एवरेज क्या होता है, वेलोसिटी एवरेज इसका फॉर्मूला होता है वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट 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 वी एन बाई आपका एन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाए कि रहने दे? हाँ सर बना लीजिए, अच्छा लगेगा। देखो बना लीजिए, इफ जर्नी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट, एन इक्वल पार्ट में है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के हिसाब से। तो अब जैसे कि 5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, 5 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, कितने? 2 घंटे में, ठीक है। इसका क्वेश्चन नहीं लिखे यार, हम भी भूल गए, एक मिनट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है 10 किलोमीटर 2 घंटे में, अगले 5 किलोमीटर की दूरी करती है कितने? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, फिर अगले 5 किलोमीटर की दूरी करती है 15 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। टोटल समय लगता है 6 घंटे, ठीक है, टोटल समय लगता है 6 घंटे। तो इसका भी एवरेज निकालो, क्या होगा? भी एवरेज हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 15 बाई क्या 6, यही होगा ना? नहीं यार कंफ्यूज कर गए इसमें, यही होगा। इफ जर्नी डिवाइड इन टू एन इक्वल पार्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू आपका टाइम, एन इक्वल पार्ट बाई 6, तो 10 5 15 15 40 बाई 6 तो हो जाएगा 20 बाई 3। इसका देखो तो एक बार सर्च ऐसे कर लेंगे, इसका एक बार हम सर वहाँ पे एन जो होगा वो टाइम होगा, एन इक्वल पार्ट अकॉर्डिंग टू इसका टाइम के हिसाब से है ना, तो एन यहाँ पे टाइम हो जाएगा, ये टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम है तो एन यहाँ पे टाइम हो जाएगा। ऐसे इस पे स्टार करा दो, इसका भी हम कंफ्यूज कर गए इस सवाल में, हम इसको बाद में देख लेंगे जब कोई ऐसा सवाल बनाएंगे। तो सवाल इसके नीचे नहीं लिखे थे, हम इसका सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख कर आ गए। इसके नीचे स्टार बना देना, इसका स्क्रीन शॉट भेजना। हाँ सही है। एक मिनट ये व्हीकल मूविंग स्टेट पर कवर 100 मीटर विद स्पीड हो गया इतना, एंड कवर 300 मीटर एवरेज स्पीड कितना, टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो सर बताए थे, एक फॉर्मूला ये 2v1। अच्छा इसमें स्टार बना देना, इसमें हम कंफ्यूज कर गए खुद। एक इसमें दो और बताते हैं, वो लिख लेना, उसके बाद आगे हम इस पर बताते हैं। अब एक लिखो अगला, इस पर स्टार बना लेना, इसको मेरे को भेजना थोड़ा सा, इसको हम देख लेंगे। अगला लिखो, कोई लड़का भेज देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का क्या होता है आपका, इसका हिंदी क्या होता है? तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल एवं तात्क्षणिक वेग, लिख लो हिंदी वाले, तात्क्षणिक स्पीड एवं तात्क्षणिक वेग। तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, कोई बताओ? वी बराबर डी एस बाई डी टी, ये मेरे ख्याल से सही है बनाया हुआ, ऐसे एक बार देख लेना। टोटल 6 घंटे का समय लगता है, तो ये जो है ना 10 प्लस 5 15 बाई 6 40 बाई 20 बाई 3, ऐसे एक बार देख लेंगे इसको। कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ा ठीक है और बाद में लग रहा है ठीक है, कैलकुलेशन ठीक कर दीजिए। कहाँ ठीक तो है, 10 5 15 15 30 30 30 30 30 30 6 5 5 प्रति घंटा, ठीक है। फिर यहाँ लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस बाई डी टी, तो इस पर क्वेश्चन बनाओगे? क्वेश्चन लिखो इफ एस इजकल टू 3t² i + 8t j फाइंड द, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे
ये कोई चाल है इसका जो s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस j फाइंड द इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक स्पीड ज्ञात करें एक सेकंड पे। तो कैसे बनाएगा कोई बताओ, कोई लड़का बताओ कि कैसे डिफरेंशिएट कर देंगे सर। बस हम बताया अभी ऊपर में बताया v बराबर ds बाय dt होता है, तो ds तो 3 दुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 60i प्लस 8j ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 6i प्लस 8j, तो v बराबर 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहां से भी कंफ्यूज कर गए, यहां से कितनी कहां चला गया? नहीं सर, कोई चलो मैग्नीट्यूड निकला है क्या? अरे सर मैग्नीट्यूड ने टी के जगह वन सेकेंड रखेंगे ना यहाँ पर, जैसे कि हम ये फॉर्मूला बताए ताक्षणिक वेग जो होता है डी एस वाई डी टी होता है, तो एस के जगह पे हम 3t² + 8t मतलब 3t² + 8t लिखे, तो ये इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 × 6t हो जाएगा प्लस 8t का 8 हो जाएगा, होगा ना। और पूछ क्या रहा है एक सेकेंड पे, तो टी के जगह 6 × 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो 6i हो जाएगा प्लस 8j हो जाएगा। जब वेक्टर को कैसे वेक्टर ऐड होता है वो तो आप जानते हैं कैसे ऐड होता है, वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके ऐड होता है ना वेक्टर, ये जानते हैं ना। तो हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर 100 = 10, ये हो गया क्लियर है, ये मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्लियर है? यस सर। सर किसी को कंफ्यूजन हो तो बताना भाई, ये सब नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल सवाल आपके एग्जाम में ये सब आएंगे। कितना हो गया, यही हुआ ना आपका इतना? चलो और करते हैं अच्छे से करते हैं, चलो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और जूम। चलो अब एक आप बनाओगे, आप लोग फिर बनाओगे एक क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है देखो, इफ एस बराबर 3t² + 8t फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी बराबर 1 सेकेंड। अब सबसे पहले बना के दिखाओ कौन दिखाता है सबसे पहले, एकदम नॉर्मल था भाई, उतना ही होगा सर। ठीक चलो आगे, एक्सेलरेशन थोड़ा सा जूम करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। लिखो अगला एक्सेलरेशन, अब दिखाई दे रहा है सर? 14 मीटर होगा ना, 14 होगा एक्सेलरेशन 14 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसमें कंफ्यूज कर गए आप लोग? नहीं सर, वो IJK सर इसमें कंफ्यूज कर गए। अरे यहाँ IJ नहीं है भाई, यहाँ IJ नहीं है, v बराबर ds बाई dt कर बराबर 3 × 60 + 8 6 × 1 + 8 14 हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। ये 14 आया था ना आप लोग का? बोलता ही नहीं है कोई। यस सर। यस सर आगे बढ़िए। ठीक हाँ आगे बढ़ने के लिए बोल देना कि आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी करना है ना आपको, फिर केमिस्ट्री ले जाना है। और सुनो मैथ और बायोलॉजी इसका PDF मिल जाएगा ठीक है, क्योंकि मैथ के भी आधा लड़के मैथ के आधा बायोलॉजी के हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स हम करवा देते हैं। और ये 7 बजे से 8 तुम लोग भी आ जाना, 7 से 8 तुम लोग भी कर लेना क्लास, ये 7 से 8 क्लास कर लोगे तो CUCT में काम देगा बाबू आपका, अभी रीजनिंग चल रहा है। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी ठीक है। अब वेक्टर के नीचे
इसका डिफिनेशन आ जाएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हिंदी में हिंदी वाले को लिखते जाएं कुछ कुछ। अब देखो, अब देखो एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ये एक्सलरेशन लिखा हुआ है। एक्सलरेशन टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, ये दो तरह के होते हैं। एक आपका आ जाता है एवरेज एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलरेशन। एक आपका आ जाता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। अब देखो एवरेज एक्सलरेशन ए बराबर क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा क्या क्या टी टी। तो बोलते क्यों नहीं हो, फिर इसमें क्या होगा ये बताओ, इसमें dv/dt। तुम लोग कोरोना में फंस गए थे क्या, 11th में? नहीं सर, पढ़े हुए। यस सर। अच्छा चलो, आप देखो आप लोग ही बताना। केस लिखो, केस नंबर वन, केस नंबर वन लिखो, केस वन। सब नीचे कीजिए ना सर, थोड़ा नीचे कीजिए ना, लिखते करो, करते भाई करते हैं सर, जरूर सर। इसे जूम करने दीजिए, इसको जूम आउट लिख लिए सर, लिखे सर। हाँ सर लिख लिए, तो बहुत लिख लेते हैं तो बता दीजिए ना कम से कम कि हाँ सर लिख दिया, आगे बढ़िए आप। केस वन, केस वन लिखो, आप लोग ही बताओ मुझे, आप लोग बताइए, बताइए आप लोग पूछ रहे हैं कि एक कार है वो भी बेग से इधर इधर को चल रही है, ठीक है, एक्सलरेशन भी इधर को है, ठीक, तो एक्सलरेशन क्या होगा, एक्सलेशन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पहला नंबर सर पॉजिटिव, पॉजिटिव सर। तो इसके ए नंबर में लिखो पॉजिटिव एक्सलरेशन, पॉजिटिव एक्सलरेशन। अब इसमें वेलोसिटी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी में हम लोग दो चीज निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, और दूसरा हम लोग निकालते क्या है, डायरेक्शन, दिशा, परिमाण एवं दिशा। अब सर बताइए आप कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, नो चेंज, नो चेंज। एक कार है जिसकी वेलोसिटी इधर को है, एक्सलरेशन लग रही है, एक्सलरेशन लग रही है, एक्सलरेशन लग रही है, तो बताइए क्या होगा, और कोई बताइए, बताइए जल्दी, फिर से बोलिए। तो एक कार चल रही है, एक कार है, ये एक कार है, ठीक है, एक कार है, ये इधर को चल रही है, वेलोसिटी इधर को लग चल रही है, एक्सलरेशन इसको इधर से लग रही है, एक्सलरेशन पीछे एक्सलरेट कर रहा है, पीछे एक्सलरेट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सलरेशन हो रहा है, पहला फर्स्ट नंबर पॉजिटिव एक्सलरेशन है। अब बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, या आपका नो चेंज, इंक्रीज करेगा सर, इंक्रीज करेगा, बिल्कुल यही तो हम पूछ रहे थे। आप देखो तो आप लोग भी गाड़ी चलाते होगे, तो एक्सलरेट कर रहा है, एक्सलरेट कर रहा है, मतलब एक्सलरेशन का क्या होता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर होता है ना, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक सेकेंड में 5 मीटर से वो बढ़ रहा है, अभी 10 है तो अगले सेकेंड 15 हो जाएगा, फिर उसके अगले सेकेंड 20 हो जाएगा। यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो 5 मीटर पर सेकेंड की बात करें, तो अभी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अगले सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, उसके अगले सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा,
ये समझ गए ना आप, ये समझ रहे हो, ये सही बोला ना मैं कि वेलोसिटी की हम लोग बात करें तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर के हम बोलेंगे कि कोई कार जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, मतलब कि t बराबर 1 सेकेंड पे जब हम अभी लंदन में देखें इसको तो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, तो हम इंडिया में भी देखेंगे तो इसका चाल क्या होगा यदि इस पे हम एक्सलेशन नहीं लगाए। चाल कैसे बढ़ता है किसी भी चीज़ का, किसी भी गाड़ी का, किसी भी पार्टिकल का चाल वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, जब हम उस पर एक्सलेशन लगाएंगे भाई, एक्सलेशन लगाएंगे तब तो इंक्रीज करेगा ना। हाँ सर, हाँ सर। कंफ्यूज कर रहे हो, बताओ जब कोई, अभी देखो आप मोटरसाइकिल आप बाइक चला रहे हो तो एक्सलेटर एक्सलरेटर वहीं से देखो, एक्सलरेटर और एक्सलरेशन वहीं से आया है। एक्सलरेटर देते हो इसका मतलब क्या करते हो आप, चाल को बढ़ाते हो। कोई कोई क्या करता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे ले जाकर छोड़ देता है, एक्सलेटर लॉक कर देता है, मतलब कि एकदम कांस्टेंट बनाए हुए रहता है, तो आगे पीछे नहीं बढ़ेगा। अब एक्सलेटर बढ़ाना मतलब अब देखो डिस्टर्ब करने लगे हैं बीए वाले सबके सब। एक्सलेटर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चल रहे हो, फिर क्या करना है, 5 एक्सलेशन इसका क्या है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दो तो अगले सेकेंड में हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ठीक है भाई, हाँ ना में जवाब दो तो हाँ कि सर हाँ कन्फ्यूज हो जाएगा सर। तो ये देखो मैग्नीट्यूड इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पर डायरेक्शन तो नो चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा भाई, डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, हम वेलोसिटी इधर को है, एक्सलरेशन भी इधर लो, हम पटना की ओर जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, मेरा एक्सलरेशन भी पूरब से पश्चिम है, तो डायरेक्शन चेंज करने का कोई सवाल है, कोई सवाल नहीं है। नो सर, वेलोसिटी जीरो होगा तभी तो डायरेक्शन चेंज होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं एक्सलेशन आपका रिटार्ड, एक्सलेशन जब आपका रिटार्डेशन हो जाएगा तब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगा। हम आगे वाले केस में हम आपको बताते हैं, जैसे कि हम बता देते हैं, देखो अब दूसरा केस में क्या है कि एक कार चल रही है जिस समय इसको लेना चाहिए उस समय ये सही से होता नहीं है, एक कार चल रही है जिसका वेलोसिटी इस साइड को है, ठीक है वेलोसिटी इस साइड को है, एक्सलरेशन जो है आपका निगेटिव इस साइड को लग रहा है, एक्सलरेशन आपका इस साइड को लग रहा है, वेलोसिटी आपका इस साइड को है, एक्सलरेशन आपका इस साइड को लग रहा है, तो देखो ये क्या है, ये आपका सबसे पहले निगेटिव एक्सलरेशन है, ठीक है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। अब देखो ये निगेटिव एक्सलरेशन आपका है मतलब रिटार्डेशन है, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी पे क्या आपका प्रभाव पड़ता है, तो वेलोसिटी में हम लोग दो चीज़ों पे बात करते हैं, एक आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है एक आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा ये बताओ, मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, क्लियर है कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि गाड़ी इधर चल रही है उसको अपोजिट हम लगा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा। अब देखो डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा यानी कि चेंज हो जाएगा। पहले तो देखो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नॉट इफेक्ट, पहले तो डायरेक्शन पे जब तक आपका डायरेक्शन पहले तो नॉट इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब तक आपका वेलोसिटी जब तक जीरो ना हो जाए, जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, आप कोई बाइक चलाते हैं तो बाइक पे जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होता है तब तक आप रुकते हैं नहीं रुकते हैं, और जब वेलोसिटी जीरो हो जाता है तब तो आप रिवर्स लेते हैं ना, जब जैसे कि मेरे को जाना है इधर, अब पता चल गया कि हम गलत डायरेक्शन में आ चुके हैं, मतलब हम जा रहे हैं इधर और मेरे को पता चल गया कि हम गलत डायरेक्शन में आ गए हैं, तो गलत डायरेक्शन में आ गए हैं तो ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक लेते लेते इसका वेलोसिटी क्या करते हैं हम लोग, जीरो कर देते हैं, मतलब उसको हम लोग रेस्ट में लेकर आ जाते हैं, ठीक है रेस्ट में लाने के बाद हम क्या करते हैं बैक करते हैं, वही तो डायरेक्शन पहले नॉट इफेक्ट, जैसे चल रहा है गाड़ी चलेगा अनटिल कि आपका वेलोसिटी जब तक उसका जीरो ना हो जाए, फिर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उसके बाद ये अपना रिवर्स पाथ क्या कर देगा, रिवर्स द पाथ,
अपने पाथ को क्या करेगा, ये रिवर्स करेगा। ठीक है, एक मिनट, अगला केस थोड़ा सा हम एक मिनट लाइन करो। ठीक है, आगे वापस वापस फोन बैठ के आ रहे हैं। बस 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 बस, हेलो, है ना, सब यहीं पे है ना? हाँ सर, हाँ हाँ, अब समझ में आ रहा। ये वाला सेकेंड नंबर केस, ये सब लिखे हो, ये लिखना जरूरी है, ये यही आपके सब शब्द में करके पूछेगा। तो केस नंबर टू हम लोग कर लिए, अब हम लोग देखो केस नंबर थ्री करते हैं। केस नंबर थ्री क्या, जो हम लोग केस नंबर थ्री पढ़ते हैं, केस नंबर थ्री। अब केस नंबर थ्री में है, देखो यही अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि एक गाड़ी है। सर, हाँ, वन मिनट सर, क्या? हेलो, हाँ हाँ सर, बोल रहे थे सर, हम भी सर, कितनों बजे स्टार्ट कीजिए सर, लास्ट 7 बजे सर करते हैं स्टार्ट। हाँ हाँ, चलो बीए वाले 7 बजे से, बीए वाले 7 बजे आने। यार अभी पढ़ाने तो थोड़ा सा, इधर देखो वेलोसिटी चल रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी भी है। ठीक है, अब इस पे जो एक्सलरेशन है मेरे भाई, ये जीरो लगा दिए हैं, एक्सलरेशन में इस पे जीरो लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ इसका वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी और डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा ये बताओ आप लोग। सर, नो चेंज, कुछ वैसे कांस्टेंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो आपका मैग्नीट्यूड रहेगा वो नो चेंज रहेगा। हुआ ना कि हम अभी जो एग्जांपल दिए, इस मोटरसाइकिल को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के, भाई देखो दो तीन लोग बोलते हो, बाकी लोग नहीं बोलते हो, तो यार बोला करो मेरे साथ कुछ। फिर देखो अब डायरेक्ट, अब इसका बताओ डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन जो होगा वो आपका नो चेंज, डायरेक्शन जो हो जाएगा आपका वो नो चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन जो होगा वो आपका नो चेंज करेगा। ये समझ गए? अब केस नंबर फोर, केस नंबर लिख भाई, लिखे ना भाई, ये वाला लिख लिए। अब देखो, यस सर, अब देखो मेरे साथ, एक ये गाड़ी चल रही है भी वेलोसिटी से, बट इसमें एक्सलरेशन ऊपर की ओर लग रहा है, एक्सलरेशन ऊपर की ओर लग रहा है, समझ गए? अब देखो, तो हम इस पे पूछेंगे कि हाँ सर, एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, और ये गाड़ी है आपका, ये गाड़ी है, तो एक्सलरेशन इसका ऊपर की ओर लग रहा है, वेलोसिटी जो है सामने की ओर है। तो पहले भी के बारे में हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो वेलोसिटी के बारे में दो तीन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं, फिर सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा पहले ये बताओ, मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रभावित होगा, इफेक्टेड नहीं, नो चेंज होगा भाई, चेंज कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है ना। जब इसके, इससे क्या लेना देना है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट में चल रहा है, इधर चल रहा है, एक्सलरेशन ऊपर की ओर हो रहा है, तो इसमें कैसे बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज करेगा, डायरेक्शन वेरी करेगा, इधर चल रहा है तो धीरे धीरे इधर की ओर इसको मूव करेगा, धीरे धीरे इधर की ओर उसको मूव करेगा, तो डायरेक्शन इसमें चेंज करेगा, इसमें डायरेक्शन जो होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग करेगा, हाँ धीरे धीरे वाई एक्सिस के अलोंग आपका करेगा। अब देखो, अब अगला केस में तो पूछते हैं हम आप लोगों से कि अगला केस बताओ, अगला केस, अगला केस में देखो तुम लोग बताओगे सही से, केस नंबर फाइव, पांचवा नंबर केस बताओ। एक वेलोसिटी इधर को जा रही है, वेलोसिटी गाड़ी का इधर है,
एक्सलरेशन थीटा पे ऐसे लग रहा है, एक्सलरेशन ऐसे लग रहा है, ठीक है। एक्सलरेशन फिगर बना रहे हो? यस सर, बना रहे हैं सर। तो एक्सलरेशन तो हम लोग इसका बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। ये बीए वाला सवार है, ओहो सवार है, रुको एक मिनट, पता क्यों नहीं चल रहा है, टू 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 नहीं कर रहा है। अब वेलोसिटी के बारे में बात, मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड पहले बस ये ख़त्म कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड इसमें क्या करेगा, आप लोग बताओ मैग्नीट्यूड क्या करेगा, बताओ। जो ये वाला है उसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या चेंज? मैग्नीट्यूड भाई चेंज करेगा, बिल्कुल चेंज करेगा, क्यों नो चेंज करेगा। ये देखो, यहाँ पर सर ये कॉमन, यहाँ पर इसका एक जो देखो कॉमन वेक्टर निकलता है, जब बीच में रहता था कॉमन फैक्टर निकलता है, तो एक टेन थीटा साइन ये बता देंगे कल, इसके नीचे लिख दो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो करेगा वो इंक्रीज करेगा, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा और डायरेक्शन जो करेगा वो चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, इसका मतलब कॉमन, ये कन्फर्म है। अब yes. अब वो जो साइन थीटा है भी कॉस थीटा वाला पैटर्न, हाँ वही 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 पूछ रहे हैं, वही इंक्रीज कर जाएगा वो, हाँ करेगा वाला पैटर्न क्या सर। अब एक बताओ, एक थोड़ा सा हम आप लोग को एक मिनट रुक जाना, इन लोग का टाइम हो गया है, तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं। और आप लोग करना है तो आप यदि सीयूसीटी का करते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लिए सबका, नीचे सबसे नीचे सबसे नीचे जो केस नंबर 5 था उसमें एक्सलरेशन थीटा एंगल पे लग रहा था, तो इसमें मैग्नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करेगा जो इंक्रीज करेगा, डायरेक्शन जो होगा वो चेंज करेगा, इसमें भी डायरेक्शन चेंज करेगा पर मैग्नीट्यूड आपका नो चेंज होगा। इसमें केस नंबर 3 में जो आपका होगा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, क्लास का टाइम हो रहा है दूसरे का, और लिंक कर दो मैसेज। सर ये कॉमन वाला क्लास